The inspection of the Guard of Honour complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here, knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival. The Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. Samman Garat ka nirikshan karne ke baad, ab Pradhan Mantri Lal Kile ki prachir ki or agrasar, vishal aur bhavya Lahori Gate se guzarte hue, pravesh ke liye, isme ek kaath ka pul hai, लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाजा दरवाजे की तीन मंजिलें और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां यह प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनकड़।
और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर सीएस श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की।